उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून के राज की तारीफ करते हुए शनिवार को कहा कि जिन लोगों को पहले कानून व्यवस्था की परवाह नहीं थी, उन लोगों की पैंट अब गीली नजर आ रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक बॉटलिंग प्लांट के भूमि पूजन के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे कि उन्हें अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। जब अदालत उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंट गीली होती भी जनता देखती है। उन्होंने कहा, जनता पहले देखती थी कि कैसे माफिया उन्हें तबाह करते थे, उद्योगपति को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे। आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुल है, सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। जरा आप भी सुन लीजिए। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है, जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती भी देखती है जनता, देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं आज अपने सभी उन उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी बल्कि उन्हें ढेर सारा अवसर मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है। वह उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी की सुविधा भी उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनके लिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम भी निकाली है, सरकार भी उसमें आधा मान दे देगी। जहां भी ये कार्यक्रम चलेंगे, हर उद्यम के साथ हर उद्योग को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम रहेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी प्रयागराज की सांसद विधायक अदालत द्वारा माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और दो अन्य को 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई है, उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 60 वर्षीय पूर्व सांसद को प्रयागराज में मामले की सुनवाई के लिए गुजरात की साबरमती जेल से सड़क मार्ग से लाया गया था। पुलिस काफिले में जेल से निकालने से पहले अतीक अहमद ने कहा था कि उन्हें डर है कि उनकी हत्या की जा सकती है। हाल ही में प्रयागराज में विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उनके भाई व परिजनों के खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा के बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।